उनतीस तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100 परसेंट नहीं 101 एक परसेंट सफल आप अवश्य रूप से होगे यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा क्योंकि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो 29 तारीख के पेपर में आने वाले हैं पूरक परीक्षा जो आपकी चल रही है कक्षा दसवीं की उसमें ये प्रश्न आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे तो जल्दी से जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जितने भी क्लास टेंथ वाले हैं उनको सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक वीडियो और मैं लेकर आने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर कर दीजिए चलिए देखते हैं हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक से लेकर तेईस तक के सभी प्रश्नों का हल बताऊंगा इस वीडियो में वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा आगे भी अन्य सब्जेक्ट के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई क्वेश्चन को समझिएगा कि फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा मरियान उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है गलती मत कीजिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके अच्छे अंक आ सके क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि इस इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है साथियों यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि काली मृदा मतलब काली मिट्टी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है मुख्य रूप से पाई जाती है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है तो दोस्तों देखिए पारी परिवार पारिवारिक का मतलब होता है परिवार से संबंधित है तो विवाह और तलाक परिवार से संबंधित है दत्तक ग्रहण करना मतलब किसी के पुत्र नहीं है तो दूसरे के पुत्र को गोद लेना दत्तक ग्रहण करना वंशानुक्रम वंशानुक्रम का मतलब होता है एक जैसे कि हमारे परिवार में दादाजी हैं दादाजी के पिताजी हैं पिताजी के आ, उनका बच्चा है बालक है ठीक है उस उसे कहते हैं वंशानुक्रम मतलब वंश का क्रम तो इसका तात्पर्य है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा उपरयुक्त सभी अगला क्वेश्चन देखिएगा द्विदलीय शासन व्यवस्था है तो दोस्तों द्विदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में है ये उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद में देखिएगा सिंघली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस सौ छप्पन आपका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद में हम यहां पर खालिस्तान देखेंगे वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं दोस्तों वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं तो क्या कहते हैं उसको लेबला क्या कहते हैं उसको ठीक है यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है आप देख सकते हैं छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है क्या कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तों देखिएगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से कंपोजिटर उसे कहते हैं छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है कंपोजिटर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम और गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया है सूरत में और मेक्सिको ओलंपिक हुआ उन्नीस में बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं जमा और खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं तृतीयक आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जोड़ी देखेंगे जोड़ी देखिएगा गलती किसी प्रकार की नहीं करना है विकसित देश यहाँ पर पूछा गया है विकसित देश तो यहाँ पर विकसित देश कौन है अमेरिका हमारा देश जो है भारत वो विकासशील देश है काला हिरण काला हिरण को आप मिलाएंगे संकटग्रस्त जो काला हिरण है मतलब खत्म होने की कागार पर है इनकी प्रजातियाँ विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी इसको मिला लो आप सामुदायिक सरकार और नगर निगम इसको आप मिलाएंगे साथियों मेयर से जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन इसे हम मिलाएंगे लोक कल्याणकारी हित समूह और विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां टाटा मोटर्स इम्पोसिस रैनबैक्सी इस नाम से ओके चलिए आगे बढ़ेंगे और एक शब्द और एक वाक्य मत्तर यहाँ पर आपको देख को मिलेंगे अठारह में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया तो ये आंसर इसमें आप लिखेंगे इमेनुअला द्वितीय ठीक है इसे इमेनुअला द्वितीय को इटली का द्वितीय राजा घोषित किया गया था बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वहां पर नहीं लिख पाएगा इस कारण से दामोदर ठीक है क्या होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा पंजाब का शोक किस नदी को कहा जाता है इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे अगला क्वेश्चन तीसरा भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है तो भारतीय जनसंख्या का अधिक लोग किस कारण किससे अपना रोजगार चला रहे हैं किससे अपना पालन पोषण कर रहे हैं तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कच्ची की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है तो कांडला बंदरगा कौन सा साथी हो यहां पर और अच्छे से मैं लिख के बता देता हूं और कोई सा उत्तर यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना कांडला और जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं और आपने लाइव क्लास को शेयर नहीं करा अपने पेरेंट्स तक तो एक बार शेयर जरूर करिएगा साथ ही आज की क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार वेद सरकार का गठन करता है सरकार जनता के लिए जवाबदेही हो और हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी तो साथियों इसमें आप क्या लिखेंगे महात्मा गांधी और ग्रिमिटिया किसे कहा जाता है ग्रिमिटिया एक दोस्तों क्या होता है इसमें दूसरे बाहर से एक व्यक्ति आता है जिसमें अपने अंगूठे के वगैरह के क्या निशान लगाते हैं तो इसका पूरा मैं आपको देखिए डाटा बता देता हूँ क्या है आप समझ जाएंगे गिरमीटिया क्या है पूरा अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है जिस कागज़ पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे ठीक है मतलब सीधी सी बात है एग्रीमेंट आप इसको लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सत्यफत आपको देखने को मिलेंगे जे एन टाटा ने जमशेदपुर में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया तो ये क्या राइट है या रोंगे तो इसमें आप क्या लगाएंगे सत्य सत्य में बताना है आपको तो इसमें आप क्या लिखेंगे असत्य लिख देंगे साथियों जिसमें कट का निशान लग रहा है वो क्या लिख कर आएँगे आप असत्य कट के निशान आपको नहीं लगाना है अगला क्वेश्चन गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे तो ये भी आपका असत्य है निशान लग रहा है असत्य लिख कर आना है भारतीय वन्य जीव अधिनियम उन्नीस सौ बहत्तर में लागू किया गया सत्य सऊदी अरब में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं है सत्य और कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है असत्य चोरी चोरा की घटना उन्नीस में हुई थी असत्य ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छः जाबर कौन थे क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस के तेईस प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए दो दो नंबर के तीन तीन नंबर के और चार नंबर के इन क्वेश्चनों में से जिसका आंसर आपको नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा तुरंत आपको आंसर सेंड कर दिया जाएगा आंसर कहाँ सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम की लिंक है ये पी भी आपको वहीं से मिलेगा जल्दी से जाइएगा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा सब पी आपको वहाँ मिलते रहते हैं अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं अब आपको आ, सफली का सामना नहीं करना पड़ेगा ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं तो अच्छे से पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव गलत करके नहीं आना है ऑब्जेक्टिव ही आपको पास करवाएंगे ठीक है चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ अगर आपके अन्य सब्जेक्ट में भी सफली आई है तो आप कमेंट करके बताइएगा जल्द से जल्द आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गॉड ब्लेस यू ऑल